गुरु जी सादर प्रणाम जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कुंडलनी, जैसे प्राणों की जो क्रियाएं होती हैं, और तीव्र क्रियाएं अगर किसी को प्राणों की हो रही हैं, लंबे समय से हो रही हैं, सालों तक, तो उन्हीं साधनों से कुंडलनी जागरण भी ठीक समझ में आता है। लेकिन कुंडलनी ऊर्ध भी उन्हीं साधनों से होती है, या ये बिल्कुल भिन्न विषय हो गया, संबद्ध नहीं है आपस में दोनों? क्योंकि एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा, सन 2000 में गुरुजी मैंने स्वामी विवेकानंद की पुस्तक में कहीं प्राणायाम की विधि पढ़ी थी, और केवल दो या तीन प्राणायाम मैं करता था, चार छः दिन ही कर पाया था। तो एक दिन और थोड़ा सा बैठता था ध्यान में, तो यहाँ नीचे से जैसे थोड़ा बहुत वेग नहीं, जैसे कोई पंप सेट चलता है मोटा पंप वाला, ऐसा पूरा वेग से, और आवाज़ ऐसी बिल्कुल बादलों की गड़गड़ाहट, मतलब सहन नहीं होती थी, ऐसा लगता था मेरे कान फट जाएंगे। बड़ी कोशिश करी लेकिन वो भरभराटे के साथ एकदम यहाँ टकराए, फिर धीरे फिर एकदम नीचे उतरे। उस समय आवाज़ नहीं आती थी नीचे उतरते में, फिर पूरे वेग से भूम एकदम ऐसे करते हुए, और लगता था कान फटे। ये गुरुजी 10-12 बार हुआ, तो मैंने बड़ा कोशिश करके इसको रोका। उसके बाद फिर एक नई सिस्टम चालू हो गया, और साधन भजन केवल इतना ही, थोड़ा मैं तीन प्राणायाम और वो कुछ देर बैठता था। तो कुछ दिनों बाद ही क्या हुआ कि यहाँ नीला प्रकाश दिखाई दिया, थोड़ा सा मैंने उसको ध्यान दिया तो बारीक होता गया होता गया, बिल्कुल बारीक हो गया। उसी समय फिर मैंने अपना शरीर बाहर से देखा, और काफ़ी दूर का सुन पा रहा था मैं उस समय, जो वैसे सुनाई नहीं देता, और कई चीज़ें फिर सोना मुश्किल हो गया मेरे लिए। जैसे ही सोने की कोशिश करता था तो तैरने लगता था मैं हवा में, तो मैं डर गया, मुझे लगा कोई आवेश आवेश बाहर का या ऐसा कुछ, मुझे जानकारियाँ नहीं थी, मैंने ये सब बंद कर दिया। फिर उसके बाद में गुरुजी काफ़ी समय बाद फिर मैंने गायत्री अनुष्ठान किया, गांव में चाचा जी की लड़की है, उसकी शादी जरा लेट हो रही थी, गांव में अनुष्ठान किया मैंने। तो गुरुजी उस समय भी ये सब प्रयोग फिर दोबारा चालू हो गया, जैसे ही मैंने थोड़ा ध्यान साधन भजन चालू किया। हमारे यहाँ परंपरा से शिव जी की पूजा होती है, तो मैं वही नियम शुरू से करता आ रहा हूँ, करीब 1.25 घंटा में बैठता हूँ, बाकी मैं ज़्यादा प्राणायाम या ध्यान मैंने कुछ नहीं किया। तो गुरुजी ये प्राणों की क्रियाएं बड़े लंबे समय से हो रही हैं, आज भी जैसे मैं 2-4 प्राणायाम अगर 2-4 दिन कर लूं तो वो सूझ मुटने लगता है गुरुजी, लेकिन कुंडलनी का उठना या जैसे सब लोग बता रहे हैं जो गर्म अनुभूति ऊपर जाना, ये सब तो नहीं होता गुरुजी? बाकी ये बुलबुला जैसा तो गुरुजी यहां भी खूब महसूस होता है, एक बार काफी इधर आया तो मैंने सोचा इसके साथ थोड़ा खेला जाए, तो मैंने इसको दाई साइड में खिसकाया तो खिसक गया सोचने मात्र से, तो गुरुजी एक रील सी चलने लगी, जैसे फास्ट फॉरवर्ड किसी फिल्म को कर देते हैं, इतना तेजी से दृश्य आया कि मैं समझ ही नहीं पाया, तो एकदम फिर मैं घबरा गया। तो गुरुजी ऐसी चीज़ें, मतलब मूलाधार में भी कभी खुजली कभी गुदगुदी, ये गुरुजी यहाँ उतारा, फिर यहाँ चालू हो गया, ये करीब साल भर बाद यहाँ के क्षेत्र में, नाभि के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से घूमता था, और उस समय गुरुजी आवाज़ें फिर आने लगीं, गड़गड़ाहट भी आती थी, और उसके बाद में ये बांसुरी की धुन मुझे कई बार सुनाई दी, कई बार कोई गीत सुनाई देता था महिला स्वर में, बड़ा अच्छा गीत और बड़े अच्छे बोल होते थे जो मैं बाद में मुझे याद नहीं रहते थे। तो ये सब चलता रहा। अब बीच में हृदय पे तो गुरुजी मुझे नहीं महसूस हुआ जी। तो मैं गुरुजी ये जानना चाह रहा था, ये प्राणायाम क्रियाएं लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन मुझे कुंडलनी ऊर्ध होना या ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ मुझे, जैसे सब लोग बताते हैं, तो ये अलग विषय है। प्राण की क्रियाएं होने के बाद ये ऑटोमेटिक ये हो सकता है, या ये इसके लिए भिन्न साधन होते हैं, और ये भिन्न विषय है ऊर्ध होना उसका, ये मैं जानना चाह रहा था जी। मैं क्षमा चाहूंगा, तीव्र तीव्र जी, तीव्र तेज तेज, मतलब सहन नहीं होता था, जैसे आवाज सुनाई देती थी जी। जी जैसे जो यहाँ से पहले वेग उठता था, तो गुरुजी वो भी सहन नहीं होता था, ऐसा लगता था ये रीढ़ फट जाएगी, फिर वो जो आवाज़ आती थी तो ये लगता था पर्दे खान के चले जाएंगे, कहीं सुनाई देना तो बंद नहीं हो जाए। बाद में सब ठीक होता था, जब वैसे बाहर उसमें व्यवहार में आते थे तो सब ठीक रहता था, और जी जी, और वो यहाँ ऐसे टकराती, फिर ये ऐसा बलून जैसा फूल जाता था, जैसे कमरे में बहुत दूर दूर तक मेरा सिर फैल गया है, फिर वो फिर नीचे जाती थी, सिकुड़ जाता था, फिर एकदम फिर टकराता तो फिर फैलता था सिर मेरा, जी जी बिल्कुल। बहुत ये एक ही बार हुआ था गुरुजी, ये 2000 में नहीं गुरुजी, अब तो क्या है करंट सब रहता है पूरी बॉडी में, एकदम झंझनाहट सी रहती है और वो सूझ मुटने लगता है, ये होता है अक्सर।
झंझनाहट सी रहती है, जैसे बस गुरु जी यही जानना चाह रहा था कि ये लंबे समय तक प्राणों के ये क्रियाओं से कोई फायदा है भी या नहीं, मतलब कुंडली ऊर्ध्व होने जैसा मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ अभी तक। जी जी, तो गुरु जी इसके भिन्न साधन रहते हैं कुछ, ये अलग विषय है। जब आंतरिक विकास होता है एक ऐसी अवस्था आती है कुंडली का जागरण हो जाता है। जी जी, संक्षेप में यही है। तो जब आंतरिक विकास होता है साधक अंतर भी होता है, जो बाह्य क्रिया जब अंतर भी होने लगती है जी, सूक्ष्म शरीर में जब यानी उसकी साधना चलने लगती है जी जी जी, कुंडली का जागरण हो जाता है। जी गुरु जी, मेरे लिए फिर क्या निर्देश है आगे? मेरे लिए निर्देश क्या है आगे? मैं किसी को निर्देश देता ही नहीं जी, किसी को नहीं देता। मैं आपको कैसे निर्देश दे रहा हूँ? मेरी आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहेंगे? एक सामान्यता ही गुरुजी, मेरे अलग से नहीं, सामान्यता ही आप क्या कहना चाहेंगे तो मैं वैसा कोशिश करूंगा उसके अनुरूप करने की। जी गुरु के मार्गदर्शन आप साधना करिए, अभी आप नई उम्र में हैं जी, करते रहिए और अपने समय तक करते रहिए। एक अच्छी बात है, मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने स्वरूप के और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए बिल्कुल प्रयास करता रहे जी। जी और तो नौजवान को और यदि रुचि ले रहे हैं तो भी अच्छा लगे। जी जी जी, खैर पूर्वक प्रयास करते रहे जी। जी बेहतर, धन्यवाद। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.